विकार पता है तुम्हें, जब एक व्यक्ति के स्वप्न पूर्ण होने वाले होते हैं ना, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। देखो ना आज मैं कितना आनंदित हूँ। पता है तुम्हें कि बकासुर बालक का रूप धारण करके कृष्ण के घर में घुस गया है। अब कृष्ण को ये नहीं पता कि वो अपने काल के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहा है। पता तो आपको भी नहीं है कि आपका काल आप ही के राजभवन में आप ही के पीछे खड़ा है मामा श्री। तो कैसे आ गए? आपका अंत आ गया है मामा श्री। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा काम ये तो समाप्त कर। नहीं नहीं, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। नहीं नहीं नहीं, क्षमा क्षमा कर दो मुझे, क्षमा क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। क्या हुआ महाराज? कृष्णा कृष्णा, ये निश्चय ही आपका भ्रम है महाराज। यहाँ या तो कोई भी नहीं आया महाराज। या उस मिश्रण का चल, उस मिश्रण का सुनो। इतना क्रोध स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है मामा श्री। अब देखिए ना, क्रोध करके आपके प्रिय बकासुर का क्या हाल हो गया है। चलो बकासुर। समझ में नहीं आ रहा कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो कैसे गई। कृष्णा के स्थान पर हम बकासुर को ले गए और कृष्णा यहाँ कहाँ से आ गया? जो हुआ अच्छा ही हुआ। बला टली, कृष्णा के आने से एक तो बकासुर के क्रोध से बच गए और दूसरा बकासुर कृष्णा को ले जाके मार देगा। तूने मेरा पाँव नहीं, मृत्यु का पाँव पकड़ा है कृष्णा। इतनी ऊपर से गिर कर तो यमराज का भी काल आ जाएगा। मन प्रसन्न हो गया। मेरा उपहास उड़ाता है लड़के, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे।